गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मींस टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने देखा था, राइट? और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, राइट? तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 100% इस पे फोकस करना है, ओके। और यही इसी में जो कंटेंट है वो 11-12 में भी आपको बढ़ाया जाएगा, ओके। सो आपका बेसिक 100% क्लियर करना है आज, ओके, इस चैप्टर के अंदर। सो हम देखते हैं स्टेट कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम लोगों को पहले इस बेसिक आपको आ गया होगा, एसिड एंड बेस। तो पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या है, राइट? सो एसिड क्या है, एसिड किसे कहते हैं, एसिड नाम कहां से आया है, राइट? तो एसिडस, इसका मीन्स एसिडस, इट मीन्स सॉर, जो हमको खट्टा लगता है, राइट? उसी के नाम से हो गया एसिड, राइट? तो एसिड स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो एसिड, तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड? सो हमको मालूम है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट, एंड बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड हमको मालूम है, अगर एक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ओके, अगर एसिड और बेस को हम टेस्ट किए बिना अगर हमको पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है और बेस है विदाउट टेस्ट? बिकॉज हमको मालूम है कि ये जो एसिड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, अगर वो हमारे स्किन पे टच होता है तो हमको जलन होती है, राइट? सो हाउ कैन वी डिफाइन? तो उसके लिए क्या है, एक एक्टिविटी है और वो है लिटमस पेपर, लिटमस। सो टू टाइप्स के लिटमस होते हैं, एक ब्लू और रेड। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या करता है, बदल देता है, ओके। तो ब्लू लिटमस कैसे हो जाता है रेड, किस में, एसिड सॉल्यूशन में, ओके। और बेस सॉल्यूशन में क्या होता, हो जाता है रेड लिटमस कैसा हो जाता है, ब्लू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड है वो ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, और इन बेसिस सॉल्यूशन रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, ओके। ये ब्लू टू रेड है और ये रेड टू ब्लू है। सो हम लोग शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ओके। तो शॉर्टकट क्या है, ए बी आर मीन्स एसिड ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, और बी टी बी आर बी इट मीन्स बेस रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट, पीएच के बारे में हम लोग देखते हैं। सो क्या बोल सकते हैं, एसिड हैज अ पीएच वैल्यू, एसिड हैज अ पीएच वैल्यू लेस देन 7, ओके, लेस देन 7। सो व्हाट इज पीएच, ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस, ओके। तो ये हम लोग इसी चैप्टर में बाद में देखेंगे, ओके। तो एसिड क्या है, एसिड हैज अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। सो एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और बेसिस, बेसिस हैज अ पीएच वैल्यू मोर देन 7, ओके। और बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा, 7 से अधिक, ओके। और अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, तो अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ मेटल, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तो वो हमको क्या देता है, हाइड्रोजन गैस
और क्या देता है, सॉल्ट और बेसिस रिएक्ट विथ एसिड, वो हमको क्या देता है, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, वो हमको मालूम है सॉल्ट और वाटर। तो एक बार देख लेते हैं, एसिड है वो टेस्ट में कैसा है, सावर, इट मींस खट्टा। बेस वो टेस्ट में कैसा है, बिटर, ओके, थोड़ा कड़वा, कड़वा सा। एसिड का लिटमस पे कैसा चेंज दिखाता है, वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू, RB और BR, ऐसा भी आप याद अपने को मेमोराइज कर सकते हो, ओके। एसिड हैज पीएच वैल्यू लेस देन 7, इट मींस एसिड की पीएच वैल्यू कितनी है, लेस देन 7, और 7 से जैसे 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 कम होता जाता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, ओके, वो मोर ज्यादा स्ट्रांग बनता है एसिड जैसे जैसे उसकी पीएच कम होती है। वैसे ही जैसे कि बेस 7 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जितने भी पीएच बढ़ती है तो उतना बेस स्ट्रांग होता जाता है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड गिव हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, क्या देता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके तो हाइड्रोजन गैस देता है, H2 गैस, और क्या देता है, सॉल्ट। वैसे ही बेसिस रिएक्ट विथ एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ओके, और बेसिस मींस बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, एकदम इजी, ओके। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक दोनों की आपको याद रखनी है, नोट्स भी बनाना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय एन इंडिकेटर, तो ये वर्ड में भी फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा, अगर सुना है तो बहुत अच्छा है। व्हाट इज इंडिकेटर, ओके, देखते हैं। मेंशन द इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग द एसिड एंड बेसिस, ओके, देखते हैं व्हाट इज इंडिकेटर, बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा। द सॉल्यूशन विच चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड बेस, वो क्या कहते हैं, एसिड और बेस की प्रेजेंस में, यानी कि एसिड और बेस की कांटेक्ट में आते ही वो अपना कलर चेंज कर देता है, एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते ही वो अपना कलर चेंज कर देता है, कौन, इंडिकेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एन इंडिकेटर, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, द वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर, दोनों बहुत इजी है, देखते हैं, एक्टिविटी भी करेंगे, मजा आएगा। नेचुरल इंडिकेटर, तो उसमें कौन से इंडिकेटर का प्रेजेंस है, लिटमस पेपर जो हम आगे देखे, रेड और ब्लू, टर्मेरिक और हिबिस्कस, टर्मेरिक जो हल्दी हल्दी आती है, हिबिस्कस, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम, ओके, तो ये क्या है, ये सब फ्लावर्स है, लाइक हिबिस्कस, हिबिस्कस कैसे फ्लावर है, जैसे हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरानियम, ये सब कैसे है, फ्लावर है। ये फ्लावर को पीच पे क्या करना है, रब करना है, ओके ओके। हिबिस्कस वो हमको मालूम, हमारे घर पे ही रहता है, आसपास में भी रहता है, ये आप देख सकते हो, हिबिस्कस, जासूद का फूल भी कहते हैं हम लोग इसको, ओके, बहुत इजी है, ओके। और सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि ये हमको नेचुरल, ये हमको कुदरत में से मिलता है, नेचुरल से मिलता है, और सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि ये हमने बनाया है, कौन कौन से है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन, ओके, ये ऑरेंज कलर का है, ये ट्रांसपेरेंट है। नाउ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई, ये देखो लिटमस कलर कैसा है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा है, एक्चुअल में पर्पल, ओके, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ओके, तो ये लिटमस नाम कहां से आया, लाइकेन से, क्लियर। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिविजन थैलोफाइटा, ये थैलोफाइटा का एक क्लास है, थैलोफाइटा, उसमें से क्या है, लाइकेन, और लाइकेन से क्या नाम आया, लिटमस, एंड इज कॉमनली यूज एज
इन इंडिकेटर, उसको हम कैसे यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर। और इंडिकेटर को हम लोग मालूम हो गया हमको इंडिकेटर क्या है, वो एसिड और बेस वो पहचानने में हमको मदद करता है और अपना कलर चेंज करता है ताकि हमको पता चले, है ना। वेरी इजी। नाउ व्हेन अ इंडिक व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल, जो हमने आगे अभी डिस्कस किया कि लिटमस सॉल्यूशन एसिड भी ना हो बेस भी ना हो तो उसका खुद का कलर की कैसा है, पर्पल। ये हमको एमसीक्यू में भी आता है, एक मार्क में भी हमको आता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन चेक बाय टर्मरिक पेपर एंड हिबिस्कस पेपर। ओके, अभी ये एक्टिविटी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये फॉर हमारा नॉलेज के लिए हम देखते हैं, बहुत ईजी है, ये भी आप घर पे कर सकते हैं। और मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे तो मजा आ जाएगा, आपको भी पता चलेगा कि कैसे कैसे होता है, देखने में और करने में बहुत फर्क है। ये लेमन सॉल्यूशन लिया है हमने, सोप सॉल्यूशन लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, शुगर सॉल्यूशन लिया है, वाटर सॉल्यूशन लिया है, और दो पेपर लिए है, टर्मरिक पेपर और हिबिस्कस पेपर। तो अभी आपको ऐसा लगता होगा सर टर्मरिक पेपर कैसे आएगा, हिबिस्कस तो फ्लावर है, वो पेपर कैसे हो गया, है ना। तो बहुत ईजी है, चलो आपके की एक्टिविटी हम देखते हैं, टर्मरिक पेपर और हिबिस्कस पेपर। चलो तो ये जो है ये आपको देखना है, ये पेज है, पेज के ऊपर जो हल्दी आती है उसका पेस्ट बना के हमने क्या रब कर दिया है पूरा, है ना। तो ये हुआ टर्मरिक पेपर, ओके नाउ, और उसको थोड़ी देर के लिए क्या करा, सूखने के लिए रख दिया, ओके। और नेक्स्ट ये है हिबिस्कस पेपर, ये जो फ्लावर है हिबिस्कस का, जासूद का फूल, उसको क्या हमने रब किया ऐसा ऐसा और थोड़ी देर के लिए रख दिया धूप में, है ना, ओके। ख्याल आ गया, हो गया। ये दोनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक पेपर और हिबिस्कस पेपर, ये दोनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, जो अभी आगे हमने देखे है, है ना। ओके फाइन, चलो अभी एक्टिविटी की और हम लोग चलते हैं आगे, बहुत इजी है, देखते हैं कैसे कैसे करना है, बहुत इजी है। ये हमने दोनों स्ट्रिप रखा हुआ है, ओके तो देखते हैं आज, लेमन सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड वाटर, हमने यहाँ पे 5 टाइप्स के सॉल्यूशन लिए हुए है, ओके क्लियर, एनी डाउट। नाउ लेमन सॉल्यूशन पे हम लोग ट्राई करते हैं, ये सॉल्यूशन बनाया ही हुआ है तो हम लोग, ओके यहाँ पे भी आप देख सकते हो अंदर के एक टर्मरिक पेपर है, एक हिबिस्कस पेपर है, एक टर्मरिक पेपर है, एक हिबिस्कस पेपर है, ओके क्लियर। चलो देखते हैं, पहले टर्मरिक पेपर की हम लोग एक्टिविटी करते हैं, कुछ होता है नहीं होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ओके। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं इसको टर्न कर देता हूं, देखो ऐसे, ताकि ये वाला पार्ट अंदर सॉल्यूशन में ना जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट सॉप सॉल्यूशन, इसको भी मैं थोड़ा हिला देता हूं, देखते हैं क्या होता है, ओके समथिंग चेंज, ओके। नाउ यू कैन सी विच कलर्स आर अपियर, दैट इज रेड, ओके वेरी गुड। नाउ आपने देखा मैंने चेंज कर दिया, ओके। नाउ सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको भी हम लोग एक बार हिला देते हैं, अगेन हम लोग देखते हैं कोई चेंज आया नहीं, लगता तो नहीं है, ओके नहीं है, चलो टर्न कर दिया। नाउ शुगर सॉल्यूशन एक बार देखते हैं, कोई चेंज आ रहा है, आप देख सकते हैं टर्न कर दिया। वाटर एक बार देखते हैं, कुछ चेंज आया नहीं, ये टर्न कर दिया, ओके। नाउ टर्मरिक पेपर का एक्टिविटी खत्म हो गया ना, ओके नाउ अब हम लोग देखते हैं कि हिबिस्कस पेपर पे कैसे कैसे चेंज आते हैं, है ना, ओके। आई नो यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपन, राइट, आई ऑल्सो एक्साइटेड व्हाट हैपन, ओके। चलो लेमन जूस, लेमन सॉल्यूशन, अभी इसको किसी भी सॉल्यूशन को हमको टेस्ट नहीं करना है, ओके ये खास ध्यान रखना है अपने आपको, और स्मेल भी नहीं करना है, ओके थैंक यू। चलो आगे लेमन में देखते हैं कुछ होता है, ओके आप देख सकते हो, थोड़ा जूम भी करते हैं हम लोग
तक दिख सके। ओके, ये कैसा कलर आ गया, थोड़ा पिंकिश कलर आया है ना, डार्क रेड नहीं है, थोड़ा पिंक जैसा है ना। ओके, नाउ सॉफ्ट सॉल्यूशन में देखते हैं अभी इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो अब गैस करो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बोलो बच्चों। ओके चलो, नाउ अगेन पुट ये वन ड्रॉप, समथिंग हैपन, आप देख सकते हो ये कैसा कलर आ गया, ग्रीन है ना। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट सॉल्ट सॉल्यूशन, अगेन आई कैन पुट ये वन ड्रॉप, देर इज नो चेंज इन शुगर सॉल्यूशन, देर इज ऑल्सो नो चेंज इन वाटर, चेंज और नो चेंज यू डिसाइड, देर इज ऑल्सो नो चेंज। ओके, आप देख सकते हो ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो, आप इसके अलावा भी कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आप मिट्टी भी लेके ट्राई कर सकते हो क्या होता है, राइट, एनी डाउट, क्लियर। आप इसमें देख सकते हो यमक को चेंज कहां पे आया, सॉफ्ट सॉल्यूशन में चेंज आया और लेमन सॉल्यूशन में चेंज आया, और ये हिबिस्कस में आया, लेमन सॉल्यूशन का और सॉफ्ट सॉल्यूशन का दोनों में चेंज आया, और आप देखते हो तो सारे के सारे में कोई चेंज नहीं है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपनी एक्टिविटी की ओर, हमारे टेबल की ओर। ओके फाइन, कमिंग, ओके वेलकम। तो अभी हम देखते हैं ये टेबल कंप्लीट करते हैं, तो लेमन सॉल्यूशन का टर्मरिक पेपर के साथ कोई चेंज, देर इज नो चेंज। ओके, और टर्मरिक पेपर का कैसा था हमारा टर्मरिक पेपर, येलो, और हिबिस्कस पेपर ब्लू, राइट, और नाउ सॉफ्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ उसका कलर रेड और पिंक चलेगा। ओके, अगर ज्यादा स्ट्रांग सॉल्यूशन लेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड, और थोड़ा वीक सॉल्यूशन लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, पिंक। नाउ विच हिबिस्कस पेपर, क्या होता है हिबिस्कस पेपर के साथ, इन लेमन सॉल्यूशन इट इज टर्न डार्क रेड और डार्क पिंक, रेड और पिंक। ओके, नाउ वी कैन, अपने एक्टिविटी में हमने देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हो एक्टिविटी में बैक जाके। ओके, सॉफ्ट सॉल्यूशन में कैसा कलर आया इसका, ग्रीन, यहां पे हमने रेड लिखा, यहां पे डाउट मत रखना, यहां पे आप देख सकते हो थोड़ा पिंकिश है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई चेंज, देयर इज नो चेंज, शुगर सॉल्यूशन में नो चेंज, वाटर में नो चेंज। नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। ओके, सो हियर लेमन सॉल्यूशन इट इज ब्लू टू रेड, ओके, सो वी कॉल इट एसिड, बट यहां पे आपको येलो टू रेड हुआ, लेकिन हमने क्या देखा था एसिड में, एबीआर, एसिड ब्लू लिट मस्ट टर्न इनटू रेड, बट यहां पे येलो है, ओके, ब्लू नहीं है, ऐसा नहीं कि रेड हुआ तो बेस हो गया। ओके, तो आपको ये और ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, इनको मालूम है ना, वो क्या था, लिटमस पेपर था, ये इंडिकेटर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक पेपर है। ओके, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन जो टर्मरिक के साथ देता है ये रेड कलर, और हिबिस्कस के साथ देता है ग्रीन कलर, तो ये हुआ हमारा बेस। ओके, नाउ सॉल्ट, देयर इज न्यूट्रल, शुगर सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं है, न्यूट्रल, वाटर भी कोई चेंज नहीं है। ओके फाइन, तो आप ये टेबल भी देख सकते हैं, और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है जो HCl, H2SO4, HNO3 जो सारे है उसका एक्टिविटी हम नेक्स्ट देखेंगे। आज आपको इतना कंप्लीट करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड बेस, व्हाट इज इंडिकेटर, ओके, नेचर इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड कलर ऑफ लिटमस पेपर, एंड अभी भी आप देख सकते हो ये अपनी एक्टिविटी। ओके, थैंक यू।